सर, आज का प्रोग्राम हम लोगों ने एक्चुअली कोसिया, हमारे जो पेरेंट बॉडी है चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक पावर सेविंग के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए। हम लोग उसी ऊपर, हमको शंकर नारायणन करके जो एक एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट ऑडिटर है जिसको पावर सेविंग के ऊपर बहुत जानकारी है, तो उन्होंने हमको पूरा इस प्रोग्राम में गाइड किया क्या क्या वे से पावर सेविंग किया जा सकता है। और ये पूरा पावर सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में सेव होने वाला है। उसमें उन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसे आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना है, ऑडिटर्स जो है उसके ऑडिट कैसा करना है टाइम टू टाइम, आपका पंप्स, आपका कंप्रेसर, आपका LED लाइट्स, हर छोटे छोटे पैमाने पे आप कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर उन्होंने पूरा जानकारी दिया। आज का प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम इंडस्ट्री को काफ़ी मददायक होगा। कोसिया चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एंड तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन TIA अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटी ISC ऑर्गेनाइज्ड अ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर मेंबर ऑफ TIA टू अडॉप्ट द एनर्जी एफिशिएंसी पाथवे फॉर रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन। इसका मेन मोटिव है आपको बिजली कितना यूज़ हो रहा है कंपनी में, बिजली का पैसा कम कर सकता है। अगर बिजली यूसेज कम हो गया तो इसका एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दोनों आ जाएगा। इसके लिए हर एक यूनिट हम जितना सेव कर रहा है उसका अप्रॉक्सीमेटली 2 यूनिट जनरेशन का इक्वलेंट है। अगर हमारा तलोजा में 1 यूनिट सेव हो गया, चंद्रपुर में 2 यूनिट जनरेशन कम हो जाएगा, उतना उसका कोयला का ज़रूरत नहीं है, उतना CO2 भी कम हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन है, एनर्जी सेविंग भी होता है। हम लोग जो भी आज डिस्कस किया है, इंडस्ट्री में जो भी यूटिलिटी है, पंप, फैन, कंप्रेसर, सबका बारे में कैसा एनर्जी सेविंग कर सकता है, इसके ऊपर आज का कार्यक्रम में डिस्कशन हुआ है। रेस्पॉन्स अच्छा है, बहुत लोग का बहुत सारा डाउट्स क्लियरिटी हो गया और थोड़ा एक बार डिस्कशन हो गया तो अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आ जाए। इधर दिक्कत का कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मॉनिटरिंग अभी जो कर रहा है, अभी का मॉनिटरिंग जो होता है ये मेनली जो अकाउंट्स वाला जो पूछ रहे हैं उसके लिए हम मॉनिटर कर रहा है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी का जो भी मॉनिटरिंग एडिशन करना है वो सब ये प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस किया है, जो जो पॉइंट रेगुलर चेक होना चाहिए। आज का जो सेशन था वो बेसिकली आपके जो प्लांट में ऑयल लीकेज, एयर लॉसेस, पावर का जो कंजम्पशन है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हर तरीके को उन्होंने कवर किया है, मोटर को, कंप्रेसर को, पंप को, लीकेजेस को, एयर लीकेजेस को, या फिर अपन कुछ डिज़ाइनिंग में कुछ ओवर डिज़ाइनिंग कर देते हैं, वो सबको बहुत अच्छे से कवर किया। आई थिंक ये काफ़ी सालों के बाद में ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि आपका जो नॉलेज है दोबारा से रिफ्रेश हुआ है। इसको हम लोग अगर सही तरीके से हर प्लांट वाला ऑडिट करवाए तो इसमें आपको जो पावर कॉस्ट है वो सेविंग हो जाएगा और एक जो रेगुलर मेंटेनेंस की टाइम है, फ्रीक्वेंसी, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सेशन काफ़ी अच्छा यूज़फुल था। मेन बेनिफिट सबसे ज़्यादा रहेगा आपका जो पावर कॉस्ट है, जो आपका महीने का MACP का बिल आता है, जो खर्चा आएगा वो कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पास जो धीरे धीरे मेंटेनेंस का टाइम है वो कम हो जाएगा। TIA मैं सर्वप्रथम आभार मानतो कि त्यांनी हा एनर्जी सेविंग रिलेटेड प्रोग्राम अरेंज केला आणि तो अतिशय सुंदर रीतीने एक्झिक्यूट केला। यामुळे आमच्या इंडस्ट्रीला डे टू डेज ॲक्टिव्हिटीमध्ये पॉवर सेविंगसाठी खूप मदत होईल आणि अशाच नवीन नवीन आयडियाज ज्या आज प्रोग्राममध्ये सरांनी सांगितलेल्या आहेत त्या मी इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो।